फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब परिवार में, जिसका नाम है थाकर जैसे। तो फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीटेट की, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 17 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज का टॉपिक है, वो है हमारा स्कीनर का स्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑपरेंट कंडेंसिंग थ्योरी ऑफ स्कीनर, चैप्टर नंबर 18 है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्कीनर ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें क्या कहा है इन्होंने, हमने देखा कि पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, थ्रोनडाइक ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, सबने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसके बेस पे कुछ ना कुछ तो सबने बोला है कि हाँ ये हुआ ये हुआ। तो यहाँ पे फिर स्कीनर ने भी अपना एक ऑपरेशन किया, एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और देखिए क्या कहा है उन्होंने, सीखने में साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या होता है, साहचर्य मतलब एक साथ से भी मान सकते हैं आप, एक बहुत एक्टिव टाइप का भी मान सकते हैं। तो सीखने के साहचर्य सिद्धांत अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया, अभी दो वर्ड आ रहे हैं हमारे सामने, उद्दीपन और अनुक्रिया। क्या होता है उद्दीपन और क्या होती है अनुक्रिया। मैंने आपको थप्पड़ मारने के लिए ऐसे हाथ किया, तुरंत आपने क्या किया, फेस को हटा दिया। तो वो क्या हुआ, जो आपने फेस हटाया वो अनुक्रिया हुई, और जो मेरा थप्पड़ दिख रहा था ना आपको, वो उद्दीपन आ रहा था आपके पास। तो ये क्या हुआ, उद्दीपन और अनुक्रिया हुआ। सॉरी, थोड़ा एग्जांपल ऐसा ही दिमाग में आया। तो ये उद्दीपन और अनुक्रिया हुई। हमने प्रीवियस में डिस्कस किया कि घंटी बजाई जाती थी, तो घंटी कैसा काम करती थी, उद्दीपन का, कि कुत्ते को पता चल जाता था कि जैसे ही घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो उसके मुंह से जो लार आती थी, जो स्लाइवा आता था, वो क्या था, हमारा अनुक्रिया था। तो यहां से उद्दीपन और अनुक्रिया का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, मैं स्क्रिय अनुबंध की अवधारणा। अवधारणा क्या होती है, अनुबंध, क्योंकि अवधारणा मतलब हम किसी के प्रति कोई राय बना लेते हैं, इस टाइप से होती है। तो सीखने के साहचर्य सिद्धांत अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया में स्क्रिय अनुबंध की जो अवधारणा है उसको प्रतिपादित किया, और किसने किया, स्कीनर ने किया है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, स्कीनर ने दी है। हिंदी में इसको स्क्रिय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, साहचर्य सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब डिस्कस करेंगे कि स्कीनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो देखिए, इसने किस पे किया था, चूहों पे और कबूतरों पे प्रयोग किया था, यानी रैट पे और पिजन पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और एक इन्होंने एक स्पेशल टाइप का कुछ डिवाइस तैयार किया था जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था, उसे ये स्कीनर बॉक्स के नाम से जानते थे। क्या कहते थे, स्कीनर बॉक्स के नाम से जानते थे। तो जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है वो स्कीनर ने किस पे की थी, चूहों और कबूतरों पे की थी, ठीक है, और अपना एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया था जिसे स्कीनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अभी है आगे एक्सपेरिमेंट था, क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा, जब चूहे पे क्या किया इन्होंने, तो देखिए इन्होंने एक 12 इंच का बॉक्स लिया, उसकी दीवार पे एक लीवर लगा होता था। लीवर अगर मैं बताऊं तो, अगर आपने जो हमारे क्या होती है, जो डोरबेल होती है ना, वहां पे एक गोंग टाइप का होता है, आपने अगर उसकी स्ट्रक्चर देखी होगी, 7th क्लास के साइंस में डिस्कस किया गया है ये टॉपिक, तो उस टाइप का ही होता है, कुछ गोंग होती है, एक हैमर लगा होता है, जैसे बेल प्रेस करते हो उसके आगे टकराता है, तो उस टाइप का मान सकते हैं आप कि बॉक्स में एक खाने की प्लेट रखी थी, एक लीवर था, एक फूड प्लेट रखी थी। जैसे ही लीवर दबता था, जो प्लेट थी उसमें फूड आ जाता था। तो बॉक्स में एक क्या था, एक ओपनिंग डोर भी था, एक इनिंग डोर भी था, कि अंदर आने का दरवाजा था। स्कीनर ने एक चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया, और कैसे चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था ये भी ध्यान रखना है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो सफेद चूहे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, चूहा बहुत भूखा था, तड़फ रहा था भूख से, और वो बॉक्स में आते ही क्या करने लगा, जंपिंग करने लगा, और बाय द वे उसका पैर पड़ गया लीवर पे, और क्या आ गया, फिर प्लेट में खाना आ गया। तो ये स्कीनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, चूहे पे किया, पैलेंसेज का बॉक्स लिया, उस पर एक लीवर लगा हुआ था, एक फूड प्लेट रखी हुई थी, सफेद चूहे को बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब चूहा भूख से बड़ा व्याकुल था, बड़ा परेशान था, उछल कूद करने लगा, पैर पड़ गया लीवर पे, और आ गया भोजन प्लेट में, और चूहा गया खा। तो आप ये समझ गए होंगे स्कीनर वाला। फिर इन्होंने किस पे किया, कबूतर पे भी किया। देखिए इन्होंने दो पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक से ये सेटिस्फाई नहीं हुए, बोला नहीं भाई एक पे और करके देखता हूँ, तो इन्होंने पिजन यानी कबूतर पे किया। इन्होंने क्या किया, दीवार पर कबूतर के सर की ऊंचाई पर एक बटन लगा दिया, बटन पर चोंच मारने से थोड़े से दाने नीचे रखे प्लेट में आ जाते थे। देखो ऊंचाई पे क्या किया उन्होंने, दीवार पे एक स्विच लगा दिया, जैसे ही वो उस पे चोंच मारेगा तो दाने नीचे प्लेट में आ जाते थे, और बॉक्स में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि लाल रंग का प्रकाश जब बटन पर पड़ता तो चोंच मारने पर भूजे, जब उस बटन पर रेड कलर की लाइट गिरती थी ना तब वो चोंच मारता था, तब उसको फूड मिलता था।
फिर उन्होंने सेम वही किया, भूखे कबूतर को डाल दिया, वो बेचारा इधर उधर दीवारों पे चोंच मार रहा है, और भोजन की प्राप्ति ने पुनर्बलक, पुनर्बलक देखिए उसे क्या थी, फूड की नींद थी, तो जो बार बार चोंच मार रहा था वो क्या था, पुनर्बलक कर रहा था वो, तो यहाँ से पुनर्बलक की भूमिका निभाई। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, सफेद चूहे पे, कबूतर पे किया, चूहे वाले में लीवर लगाया, वो इधर उधर घूम रहा था, लीवर पे पैर गिर गया, प्लेट में भोजन आ गया, उसने खा लिया। कबूतर वाले में दीवार पे स्विच लगाया, जैसे रेड रंग की लाइट उस पे डल रही थी और चोंच मार रहा था तो नीचे दाने आने थे और कबूतर खा लेता था, और जो भोजन की जो प्राप्ति थी उसने पुनर्बलक की भूमिका निभाई। आप सबको और हमको जॉब की नीड है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो जॉब की नीड है ये क्या कर रही है, पुनर्बलक की भूमिका निभा रही है हमारे पढ़ने में। ठीक है, आप सबको बहुत बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौक है, किसी को बुलेट लेनी है तो किसी को कुछ लेना है, हर किसी का शौक होता है, तो वो क्या है कि उस वो है वो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो आपके यहाँ पुनर्बलक की भूमिका निभा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा स्क्रिय अनुबंध का सिद्धांत का शैक्षिक निहार। ठीक है, शिक्षा में इसका क्या निहार था, निहार का मतलब भलाई के लिए भी कह सकते हैं, क्या फायदा है इसका, वो डिस्कस करेंगे हम। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है कहीं भी किसी भी लाइन में, तो प्लीज बगैर हेजिटेशन के डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज, मैं कोशिश करूंगी अपना जितना ज्यादा हो सकेगा आपको करने के, लेकिन प्लीज डाउट है तो डाउट को डाउट मत रहने देना, डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर वो डाउट रहेगा बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे, और जब एग्जाम टाइम में वो बम फूटता है ना, तो फिर बड़ा भयंकर तरीके से फूटता है। सो प्लीज जितने भी डाउट्स आते हैं प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। देखिए बालक के व्यवहार का विकास ऐसा कर सकता है जो सामाजिक रूप से वांछित और स्वीकृत हो। बिल्कुल, हम बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो नेचर है, हम उसका जो डेवलपमेंट है वो अपने ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके लिए वो मतलब नीडी रहता है, और मतलब वहां पे एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, तो ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट, पुनर्बलन सिद्धांत की मुख्य विशेषता है, पुनर्बलन पुरस्कार दंड प्रणाम का शीघ्र पता चल जाता है कि माध्यम से बालकों के व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए पुनर्बलन एक ऐसी चीज होती है, मुझे किसी चीज की नीड है, मुझे जॉब चाहिए, अब मैं अंदर से प्रेरित हूँ तो मैं रेडी रहती हूँ दिन रात मेहनत करने के लिए, तो वो जॉब की जो नीड है वो पुनर्बलक का काम करती है। लेकिन मैंने आपको किसी ने थोड़े किसी ने मोटिवेट कर दिया, यस यू कैन डू इट, यू हैव द एबिलिटी, यू कैन क्रैक द एग्जाम, यू गेट जो यू विल गेट द जॉब, दिस इज द टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है, आप यहाँ से है ना थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होंगे, वेट लूज करना है, अरे बाप रे वीडियो देखता हूँ मैं यूट्यूब पे 10-5 वीडियो देख डाली, बच्चा वीडियो देखने से वेट लूज नहीं होगा, बच्चा वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होगी, मेरी वीडियो देख रहे हो देखने से समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 टाइम देखो इसे, देख के फिर रिकॉल करो, द पावर ऑफ रिकॉल, यू नो अबाउट इट। देखिए रिकॉल क्या होता है, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है आंख बंद करके 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठने के बाद देखना वो जो वर्ड्स है ना बुक आंखों के सामने खुल के आ जाती है, अगर आपको अच्छे से रिकॉल होता है तो अच्छे से, तो वरना आप 5-7 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 2 मिनट दीजिए बस, जितना पढ़ा 2 मिनट बंद करके सोचिए मैंने क्या पढ़ा, देखना आप कितना तो भूल जाते हैं कि आपको यही नहीं पता रहता मैंने क्या पढ़ा, ये होती है द पावर ऑफ रिकॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दिन में 2 घंटा पढ़िए, 2 मिनट रिकॉल को दीजिए, 3 मिनट दीजिए, क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या है कि हमें अंदर से मोटिवेट रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा है इन्होंने, स्कीनर ने सिद्ध किया है कि परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि देती है, अधिगम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। बिल्कुल, देखिए अगर मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, मान लीजिए आप सभी ने सीटेट के एग्जाम दिया और यू आर क्वालिफाइड एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, तो यहाँ से क्या होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, यस आई कैन डू इट, आई हैव द एबिलिटी टू क्रैक एनी एग्जाम, तो आप इन फ्यूचर में जो आपका KVS का एग्जाम आएगा, DSSB के MCD का एग्जाम आएगा, NVS का एग्जाम आएगा, चंडीगढ़ टीचर की वैकेंसी आएगी, आपके अंदर वो मोटिवेशन रहेगा, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको एक्साइट करेगा, यस मैं कर सकता हूँ भाई, मैंने एग्जाम पहले भी क्लियर किया है। तो ये क्या है कि जो परिणाम होते हैं अगर पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, बूस्ट अप करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं वो। तो ये क्या है, ये स्कीनर ने सिद्ध किया है अपने एक्सपेरिमेंटेशन से। जैसे कबूतर को क्या मिल गए, दाने मिल गए, तो बार बार फिर वही चोंच मारेगा, उसको फिर दाने मिलेंगे, तो वो ये जब एक बार सक्सेस मिल जाती है तो इंसान क्या करता है कि मुझे और चाहिए, फिर वो और मेहनत करता है, तो वही है कि जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो जो परिणामों की प्राप्ति है वो क्या देती है आपको,
संतुष्टि देती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज 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 टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सोल्व यूर क्वेरीज। और सॉरी फॉर टूडेज वीडियो। एक्चुअली यहाँ पे है ना बहुत सारे मंकी हैं, बहुत सारे बंदर हैं, और जो वाईफाई की जो वायर आई हुई है ना उस पर वो लोग झूलते हैं। तो वाईफाई वालों की भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। वो हर डेली कनेक्शन कट जाता है। वो लोग हैदराबाद से आते हैं फिर और फिर ठीक करके जाते हैं। तो अभी तक घर में वाईफाई का कनेक्शन नहीं, मैं मोबाइल के नेट से कनेक्ट करके वीडियो बना रही हूँ। सो सॉरी आज की वीडियो के लेट के लिए। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ।